हेलो मित्रों, आइए करते हैं डिस्कस एमसीक्यू के संग्राम के आंसर्स। कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने स्टैटिस्टिकल डेटा भी लेके आ रहा हूँ। जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं तो कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि ये बात आपको पता नहीं चलती आप जब आंसर करते हो कि कितने लोगों ने कौन सा आंसर दिया है, लेकिन मेरे पास जो डेटा आता है उससे मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत जनता ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितने बच्चे सही आंसर दे देते हैं, कितने बच्चे फंस जाते हैं, गलत आंसर कैसे चुनते हैं, और इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो है अपना, ठीक है, वो यानी हम जब पेपर लिख के आते तो हमें लगता है कि हम बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, लेकिन हकीकत में हम उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम कहीं गलतियाँ कर देते हैं। कहाँ गलतियाँ करते हैं यही आपको पता चलेगा। ये हर एक ऑप्शन के जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मित्रों देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सर्कुलर्स इशूड बाई सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन। सीबीडीटी जो सर्कुलर्स इशू करता है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होता है? तो अगर आप इसका आंसर देख रहे हो स्क्रीन पे, देखो ऑप्शन ए दासेसी, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया 2% लोगों ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी 35% बच्चों ने सेलेक्ट किया था, बोथ 62% बच्चों ने, और नन ऑफ द अबव 1% बच्चों ने सेलेक्ट किया था। सो मित्रों इसका सही जवाब जो है वह है ऑप्शन बी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सीबीडीटी जो सर्कुलर इशू करता है मित्रों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो सर्कुलर इशू करती है वो उनके एम्प्लॉइज के लिए होते हैं। वो बाइंडिंग केवल इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर होते हैं, वो एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हालांकि एसएससी खुद वॉलेंटरली अगर उसको फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकता है। याद रखना सबके ऊपर बाइंडिंग एक्ट है, रूल्स है और नोटिफिकेशन है। ये तीनों चीजें जो होती हैं वो, यानी इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स एंड नोटिफिकेशंस विच आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं वो सबके ऊपर बाइंडिंग है, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज एज वेल एज द सेसी। लेकिन जो सीबीडीटी नोटिफिकेशन, सीबीडीटी जो सर्कुलर्स इशू करता है वो सर्कुलर्स केवल सीबीडीटी के ऑफिसर्स के ऊपर ही बाइंडिंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ। एडिशनल डेप्रिसिएशन पीजीपीपी में आप जानते हो किसके, किन असेट्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करने वाले 6% जनता है, ऑल असेट्स एक्वायर्ड बाय स्पेसिफाइड एसएससी, सारी असेट्स के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय द एसएससी, एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय द एसएससी, ये आंसर देने वाले 11% जनता है हमारी। 78% जनता ने आंसर दिया है न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड एसएससी, और 6% है न्यू एलिजिबल प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। सो जो डी आंसर है वो 6% जनता ने दिया है। सो मित्रों इसका सही जवाब, आप सब लोग जानते हो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो केवल प्लांट एंड मशीनरी पे है, ठीक है, फर्नीचर पे नहीं है। तो ऑप्शन डी तो चला गया। अब क्या पुरानी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? ये भी आप जानते हो, एडिशनल डिप्रिसिएशन क्यों केवल नए प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। सो इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भी गया, बचता सिर्फ ऑप्शन सी है, न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी। तो अक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड एसएससी, यहाँ पे स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब दोस्त हुआ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है उन्हीं को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है, बाकी एसएससी को एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता नहीं है। तो इसका सही जवाब 78% जनता ने ऑप्शन सी चुना है, वही सही जवाब है। सो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी को, क्वेश्चन नंबर थ्री को। क्वेश्चन नंबर थ्री कुछ इस प्रकार से था, सैलरी बोनस कमीशन और रेमुनरेशन ड्यू टू आर रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड। यानी वर्किंग पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, वो फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फर्म का वो एक्सपेंस है और पार्टनर का ये इनकम है। तो पार्टनर को जो भी सैलरी बोनस कमीशन फर्म से मिला है क्या वो पार्टनर की फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल है? जी हाँ, क्योंकि फर्म को उसका डिडक्शन मिलता है, फर्म को डिडक्शन मिलता है, फर्म का एक्सपेंस है, इसका मतलब पार्टनर का इनकम होगा। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि दुनिया का एक नियम है, एक का खर्चा दूसरे का इनकम है। तो फर्म का अगर ये एक्सपेंडिचर है तो ये पार्टनर्स का इनकम होगा, तो दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस हेड में, यानी फर्म के लिए पार्टनर को जो सैलरी दिया वो सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए ये जो सैलरी फर्म से मिला है उसको क्या ये उसका सैलरी इनकम होगा? तो सैलरी के टॉपिक में हमने पढ़ा है, सैलरी इस हेड में टैक्सेबल होने के लिए देर शेल बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म। सो पार्टनर और फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है,
फर्म एम्प्लॉयर नहीं है, पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप न होने की वजह से पार्टनर्स के लिए ये इनकम है लेकिन सैलरी इनकम नहीं। तो फिर ये कौन सी इनकम है? तो इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली बताया, सेक्शन 28 जो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है उसमें ये क्लियरली बताया है कि पार्टनर्स के लिए द नेचर ऑफ इनकम विल रिमेन सेम, यानी जो फर्म का नेचर ऑफ इनकम है वही पार्टनर का नेचर। तो फर्म के लिए ये बिजनेस इनकम है तो पार्टनर के लिए भी बिजनेस इनकम ही होगा। तो कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर्स को मिलती है फर्म से, कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर्स को मिलती है फर्म से, तो ये पार्टनर की इनकम होगी और ये पीजीबीपी सेट में ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो ये इनकम मिलते वक्त सैलरी के नाम से मिलो, बोनस के नाम से मिलो, कमीशन के नाम से मिलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से मिलो, किसी भी नाम से अगर पार्टनर को इनकम मिली है फर्म से तो ये पार्टनर के फाइल में टैक्सेबल होगी अंडर अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, 71% जनता ने ऑप्शन सी को चुना है, जो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैजुअल इनकम रिसीव्ड बाय द असेसी इज, असेसी को जो कैजुअल इनकम रिसीव हुआ है, ठीक है। कैजुअल इनकम सब लोग आप जानते ही हो, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, गैमलिंग, बेटिंग, क्या ये एग्जम्प्ट है, क्या ये फुल्ली टैक्सेबल है? तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन था। आईओएस के इस टॉपिक में आप ये पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 56 जो चार्जिंग सेक्शन है, ये स्पेसिफिकली कहता है कैजुअल इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल, इसके लिए स्पेशल टैक्स रेट है 30% का। तो ये तो आप जानते हो, इसके अगेंस्ट ना कोई डिडक्शन है, ना कोई एग्जम्पशन है, ना कोई बेनिफिट मिलता है। हाँ, लेकिन कैजुअल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट क्लेम करना भूलना नहीं, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए जरूर मिलता है। तो ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, फुल्ली टैक्सेबल। 81% जनता ने इसका सही जवाब दिया है, वेरी गुड मित्रों। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन केस ऑफ अ पार्टनर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्म शैल बी, इन केस ऑफ ए पार्टनर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द फर्म, यानी फिर से ये क्वेश्चन पार्टनरशिप के ऊपर था। पार्टनर्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब पहले समझ लो क्या चीज़ है मित्रों। फर्म पहले प्रॉफिट कमाती है, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया इसके ऊपर फर्म हैज़ टू पे टैक्स। फर्म ने टैक्स पे करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ठीक है, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फर्म की इनकम 1 लाख रुपीज़ है, फर्म की इनकम 1 लाख है, 1 लाख के 30% फर्म को टैक्स रेट होगा। सो 1 लाख के 30% यानी समझो 30,000 रुपीज़ फर्म टैक्स पे करेगी, ठीक है। आप ये तो जानते ही हो, फर्म की इनकम के ऊपर फर्म को टैक्स पे करना है और फर्म के लिए फ्लैट रेट है, स्लैब रेट नहीं है। तो फर्म की इनकम अगर 1 लाख है तो 1 लाख के 30% यानी 30,000 फर्म टैक्स पे करेगी। तो 1 लाख की इनकम में से 30,000 फर्म ने टैक्स पे किया तो फर्म के फाइल में कितना इनकम बचा? 70,000। 1 लाख में से 30,000 टैक्स पे करने के बाद इनकम बचेगा 70,000। ये बचा हुआ 70,000 का इनकम फर्म जब अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समझो दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और इनकम पीएसआर इक्वल है, तो 35,000 पार्टनर ए को मिला, 35,000 पार्टनर बी को मिला। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इसके इस इनकम के ऊपर पार्टनर्स को फिर से टैक्स पे करना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। सो मित्रों ये याद रखना, ठीक है, एक बार फर्म ने टैक्स पे कर दिया तो पार्टनर को दोबारा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए शेयर इन प्रॉफिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के फाइल में एग्जम्प्ट होगा। सेक्शन 10 में इसके लिए एग्जम्प्शन दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब था, फुल्ली एग्जम्प्ट। 64% जनता ने ये ऑप्शन दिया है, 64। आपको नीचे ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा, ये 64% जनता ने ऑप्शन बी चुना है जो बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिएगा आप जो आंसर्स दे रहे हो, ठीक है, यानी कितने लोग आप जैसे आंसर अटेम्प्ट करते हैं, तो इस वजह से यानी बच्चे फेल भी हो जाते हैं बहुत बच्चे, और उनको लगता है कि पहले तो अपन ने आंसर सही दिया है, लेकिन ऐसे नहीं होता, बहुत जगह गलती होती है। और ये गलतियों का एहसास करवाना ही मेरा उद्देश्य है, ताकि आप गलतियों से सीखें, यानी एग्जामिनेशन में कोई भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते वक्त, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहें। अभी अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ अगर एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, तो इस सेशन का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रादर बेनिफिट आप देख ही रहे होंगे। तो बहुत बच्चे रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बच्चे रेगुलरली मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ही लगे रहिएगा मित्रों। ये सेशन मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा, एग्जामिनेशन तक ये सेशन हमारे कंटिन्यू रहेंगे। सो
कीप आंसरिंग, ठीक है, टैक्स के एमसीक्यूज मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की रिक्वेस्ट आती है सर टैक्स के एमसीक्यूज डालिएगा, क्योंकि हम मॉड्यूल बन ही दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज डाल दूंगा, एफएम अकाउंट्स और फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी, जैसे मैंने कमिट किया है तो फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।